एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस को देखा है तो यू नो कि हम सिंगर सॉन्ग राइटर और ब्लॉगर। तो जो ये वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू अ लिटिल डिफरेंट। इसमें हम कुछ और करने वाले, इसमें हम कोई ब्लॉग नहीं करने वाले, इसमें हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। ओके सो आज का वीडियो कोई ब्लॉगिंग वीडियो नहीं होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ अनबॉक्सिंग वीडियो। तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि इस बॉक्स में है अभी। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है, हम लोग एक सिनेरियो पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके सो सपोज यू आर ऑन अ स्टेज, आप एक स्टेज में आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, कोई आप सिंगर हो, आप गिटारिस्ट हो, आप ड्रमर हो, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी साउंड सुनाई दे। आप क्या गा रहे हो, आप क्या बजा रहे हो, यू शुड नो। कहीं आप डी ट्यून तो नहीं हो चुका है आपका गिटार, कहीं आप आउट ऑफ स्केल तो नहीं गा रहे हो, या फिर जो आप गा रहे हो वो सिंक्ड तो है, सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सुनने के लिए यू नीड अ मॉनिटर। इसी जगह पे हेल्प करेगी आपकी ये चीज़। दिस इज़ कॉल्ड इन मॉनिटर। एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है कि ये एक मॉनिटर है जो आपके कानों तक पहुँच जाएगा सीधे। आपको उन वेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा। वेजेस की ज़रूरत है, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इन्हें मॉनिटर्स आर लिटिल डिफरेंट। हम लोग इन्हें मॉनिटर्स बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है, हमें जब वेजेस से साउंड आ रही है उसके बावजूद भी हम इन्हें मॉनिटर्स क्यों लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो म्यूजिशियंस हैं वो ऑडियंस को नहीं सुनाना चाहते हैं। तो वो अगर आप म्यूजिशियन हैं तो यू नो कि यू नीड क्लिक्स, यू नीड सम क्यूज़, वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहेंगे कि वो स्टेज से बाहर सुन जाए, कि क्लिक्स सुन रहे हैं इतने ज़ोर ज़ोर से कि टाक 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 आवाज़ें आ रही हैं स्टेजेस में बाहर। तो यू आपको वो ज़रूरत भी नहीं है ऑडियंस को सुनने की। यू वांट टू एंजॉय द थिंग। लेकिन ऑडियंस अगर इन्जॉय करना चाहती है तो म्यूजिशियन उतना परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट होने के लिए ये जो आपका इनर मॉनिटर है आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये इनर मॉनिटर्स आप अपने कानों में ऐड कर लेते हो, कानों में लगा लेते हो, तो आपकी जो सभी के सभी जितने भी स्टेजेस पे परफॉर्मर होते हैं उन सभी के कानों में ये इनर मॉनिटर्स चले जाते हैं और वो क्लिक्स उनको और क्यूज़ उनको उन तक पहुँचाते रहते हैं, और ताकि वो सारा का सारा जो सेट है वो सिंक्ड रहे, वो सारा का सारा सेट इन ट्यून रहे। तो ओके सो वो सारे के सारे म्यूजिशियन इन ट्यून रहने के लिए इन ईयर मॉनिटर्स का यूज़ करेंगे, ताकि वो अपनी आवाज़ सुनते रहें, वो ताकि गिटारिस्ट को अपना गिटार सुनाई दे, ताकि ड्रमर को अपनी ड्रमिंग सुनाई दे। अगर वो ड्रमिंग नहीं सुना जाता, वो चाहता है कि वो उसके जो इन ईयर मॉनिटर्स हैं उसके अंदर सिर्फ वोकल्स की आवाज़ है सिर्फ, या फिर वो चाहता है कि उसे सिर्फ गिटार सुनाई दे। तो वो सारी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कानों के अंदर मिल जाएगी। अब बाहर जितना भी शोर हो रहा है वो आपको फिर नहीं सुनाई देगा, वो आपको बहुत ही कम सुनाई देगा, क्योंकि वो सारी की सारी आवाज़ें आपके कान के अंदर आ रही है जो आपको ज़रूरत है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे ये इन मॉनिटर्स हमारे। ओके सो चलिए इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ है। सो ये हमारी अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है। देखिए हमारे इन मॉनिटर्स, और ये हमारे इन मॉनिटर्स का केस, और ये इसका बिल विल है सब कुछ। दोस्तों हमारे पास ये कुछ चीज़ें आई हैं, ये और ये इन मॉनिटर का केस है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें, सो ये रहा हमारा बॉक्स इन मॉनिटर्स का। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए पूरा पूरा। और अगर हम इसे खोलने की कोशिश करें, इजी पुश करें और बाहर, बहुत ही प्यारा सा थैंक यू के साथ एक बॉक्स है, केस है, बहुत ही अमेजिंग। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सा केस इसमें मुझे मिला है, और ये देखो चलो हम इसे थोड़ा और खोलते हैं। बहुत ही प्यारा सा केस है जो हमें इसके अंदर मिला। देखो ये केस है एक छोटा सा, और ये इस तरह से निकल रहा है, और इसकी वायर्स हैं वो अभी अलग है। मुझे इसे पूरा का पूरा असेंबल करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इसे एक बार असेंबल कर लूँ सारी चीज़ों को। लेट्स सी। ऐसा लग रहा है कोई चेन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा। और ये इसमें बहुत ही टाइटली फिट किए हुए हैं। इनको थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा ज़ोर लग रहा है इन्हें निकालने में। तो ये इस तरह से इसके अंदर थे, और अब ये यूँ करके निकल चुके हैं। वेरी अमेजिंग, और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। और ये रही इसकी वायर्स, ये आपको जो इसके साथ मिले हैं। ये बहुत सारे सेट्स हैं ईयरबड्स के, तो ये पूरे के पूरे बैग में बहुत सारे हैं। तो आपको ये ऐसी टेंशन नहीं है कि गुम हो जाए। अगर चॉइसेस दिए हैं ब्लैक और वाइट दोनों में आपको। तो ये चीज़ें हमारी अनबॉक्स हुई हैं अभी। ये चीज़ें हमें सारी मिली हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट। ये तो आप लोगों को ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ये भी अलग जगह होंगे, और ये वायर जो है इनसे अलग है। तो आपको इनको एक बार इनके साथ कनेक्ट करना होगा पहले एक बार। तो इसमें इस तरफ मेल और फीमेल पोर्ट है दोनों में इस तरफ, और ये आपको बस सिंपली इसको इसके अंदर ऐसे। आपको इस तरह से दिखाई देंगे। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी थोड़ा सा इसे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो गई हो। मैंने सेट कर लूँगा एक बार तो, बट ये एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे दिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इनमें आप केस में रख सकते हैं। इस तरफ मैंने अपने इन्हें मॉनिटर्स को रख दिया, और इस तरफ मैंने अपने बीड्स को यहाँ पर, ताकि मिसप्लेस ना हो। और कभी भी अगर ये इसमें से बीड्स निकल जाएँ तो आप उन्हें यहाँ से निकाल के वापस जोड़ सको। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल केस, और आप इसे यूँ बंद करके पूरा पूरा चेन अप कर सकते हो। और ये आपका केस रेडी पूरा का पूरा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आप। तो अगर आप इन्हें कानों में लगाने की कोशिश करो तो ये इस तरह से वायर्स को कान के ऊपर से और कानों के अंदर इस तरह से अब ये कानों में चले जाएंगे। और आप ये वाली वायर है वो आपको सपोर्ट कर रही है ईयर को। ये दूसरे नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह नहीं है कि वो सीधे यहाँ से शुरू होंगे और आप जैसे थोड़ा सा मूवमेंट करोगे तो वो वहाँ से गिर जाएंगे। ये आपके यहीं पर फिक्स रहेंगे, और ये वाली वायर इनको सपोर्ट करके यहीं पर एडजस्ट करके रखेगी। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन इट। ये इस तरह से ही है, और ये आपके काम को सपोर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा इन मॉनिटर्स के ऊपर पूरा पूरा अनबॉक्सिंग। और बट मैं इनके बारे में थोड़ा सा और जो है वो मैं तब बताऊंगा जब हम लोग इसे एक बार स्टेज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उससे पहले जब मैं अपने जैम सेशन पे इसे एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, तो उस वक्त जब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे चीज़ें पता चले कि नई तो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, बहुत सारी चीज़ें करो। जो आप लोग ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो द प्राइस, तो डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे। ओके, अगर डीएम नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे तो ये अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, और यू कैन सी द प्राइस। थैंक यू वेरी मच।